पावन भूमि पर हम सब भगवान की चर्चा के लिए अपने मन को उन्मुख करते हैं, एकाग्र करते हैं। जहाँ हम लोग सुन रहे थे गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, उसमें संत असंत की वंदना करने के बाद वो जीव रूप से परमात्मा की वंदना करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रहित पितर गंधर्व बंधों किन्नर रज निचर कृपा करो अब सर्व। आप सब हम पर कृपा करो, वो कृपा मांग रहे हैं उनसे। आगे लिखते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। आकर, आकर माने खान। उन्होंने परमात्मा की वंदना की तो प्रभु से ही इन सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है। खान से कोई चीज निकलती है ना, तो ये सब वहीं से जहां से निकले हैं। कौन कौन तो बता रहे हैं, आकर चार, ये चार प्रकार के जीव, चार प्रकार की सृष्टि। चार प्रकार की सृष्टि कौन सी होती है? अंडज, स्वेडज, उद्विज और जुरायुज। अंडज माने होता है जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी कछुआ। स्वेडज माने जो पसीने से और गर्मी से, उसको आप पृथ्वी का पसीना कह लीजिए फिर अगर आप ऐसे कहना चाहें तो। तो जैसे मनुष्य के शरीर में और अन्य पशुओं के शरीर में जुएं इत्यादि, पृथ्वी पर केंचुए और वो क्या गिनोरियाँ और आदि आदि नहीं, वो हाँ ये सब स्वेडज में आते हैं। अंडज, स्वेडज, उद्विज। उद्विज माने जो दो दो के बीच से निकलता है। जैसे बीज है ना पेड़, तो आप देखना बीज जो है वो बीज से फटता है और उसमें से एक अंकुरण होता है। चना कभी आपने उगते देखा है? आप उखाड़ के देखना उसको, है ना, वो दोनों के बीच से एक अंकुर निकलता है, उसमें ये जितनी भी वनस्पति है ये आती है। और जुरायुज, जुरायुज का अर्थ होता है जो जेर में बंधे हुए पैदा होते हैं, है? जैसे मनुष्य, पशु, गाय, बैल इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं आकर 4,84,000 ये चार प्रकार की सृष्टि 84,00,000 योनियों में। जाति, अब जाति माने ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति माने मनुष्य, है ना। जाति में हम लोग मनुष्य हैं, ये जो है ना ये चतुर्वर्ण कहलाते हैं। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में जाति कह देते हैं लोग, अगर आप शास्त्रीय भाषा में जाओगे तो इसको वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति में हम सब मनुष्य हैं। तो कह रहे हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, ये चार प्रकार की सृष्टि 84,00,000 योनियों में विभिन्न जातियों की, है ना, चार प्रकार से पृथ्वी पर रहती है, जल थल नव, तीन प्रकार में, तीन तरह से पृथ्वी पर रहती है। इन सबको मैंने पूरा उन्होंने समेट लिया, कहा सी राम मैं सब जग जानी, एक जगत का उन्होंने एक रूपक बना दिया पूरा। आदि आदि मैंने अब कुछ बचा नहीं, जो भी कुछ जगत है सी राम मैं सब जग जानी। ये हमारे सी राम, अब सी राम दो शब्द उन्होंने फिर लगाए, तो आप कह सकते हो कि ये जो सृष्टि है ये पुरुष और प्रकृति
है ना, दोनों के संयोग से बनी है। या आप ऐसे कर सकते हैं, जड़ और चेतन दो है ना, तो दोनों नाम वो ले रहे हैं। नहीं, केवल राम भी कह सकते थे, लेकिन अब बात जब सृष्टि की है तो सृष्टि दद्दा मेरे केवल राम से नहीं होती। हाँ, उसमें सी सी माने प्रकृति, माया, आप जो नाम देना चाहें। तो वो कह रहे हैं सी राम मैं, चूंकि सृष्टि को भगवत रूप से वंदना कर रहे हैं, सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके सर्व जगत को सिया राम का रूप समझ करके प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किंकिर मोहू, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऊपर अगर आप शब्दों पर ध्यान दें, वो एक तरह की स्तुति थी, अब जो है वो प्रार्थना है ना। स्तुति, स्तुति और प्रार्थना में थोड़ा भेद होता है। स्तुति उसको कहते हैं कि स्तुत्य माने जो पूज्य है उसके सामने उसके बारे में जानकारी को प्रस्तुत करना। जैसे भगवान के सामने हम लोग तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ये स्तुति है भगवान के बारे में जो हम जानते हैं, प्रशंसा नहीं इसको बोलना। आप कई बार फिसल जाती है ना बुद्धि, जब हम लोग नहीं जानते हैं तो स्तुति को प्रशंसा बोल देते हैं। ए भैया, अच्छा देखो थोड़ा अर्थ कर लें, प्रशंसा माने क्या होता है? बड़ाई, बड़ाई माने क्या? ये तो आपने एक ही का पर्यायवाची कर दिया। बड़ाई माने वास्तविकता से अधिक बोलना। जो चीज है उससे जब आप उसको ज्यादा बोलोगे तभी तो प्रशंसा का आ जाएगा, तब बड़ाई हो गई वो, है ना। बड़ाई माने वास्तविकता से अधिक बोलना, इसको प्रशंसा कहते। तो अच्छा ये बताओ आप, भगवान के तो अनंत गुण हैं, हमारी वाणी जितने वो हैं उतना तो बोल नहीं सकती, उतना तो वो जान नहीं सकी, तो अधिक कैसे बोलेगी? विचारणीय बात है हाँ? तो प्रशंसा भगवान की हो कैसे सकती है? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वाणी अपूर्ण है, अधूरी है। जितने प्रभु हैं, अनंत हैं, उन उतना तो वो जानती नहीं, तो प्रशंसा कैसे हो सकती है? तो क्या उसको कहा गया? बोले स्तुति। स्तुति माने परमात्मा के बारे में जो हमारी समझ है उसको परमात्मा के सामने प्रस्तुत करना। हे प्रभु, मैं आपको ऐसा जानता हूं, इसको बोलते हैं स्तुति। और जब उसमें कुछ मांग होती है तो उसको कहते हैं प्रार्थना। वा शक्ति हमें दो दया निधे, मांग आ गई ना, आपको याद है ना भाई अस्थाना जी, पुरानी कुछ याद करो। तो उसमें वा शक्ति हमें मांग आ रही है ना, इसीलिए वो कहा जाता था कि भाई चलो प्रार्थना करो। हाँ आदि आदि, तो हम निवेदन कर रहे थे कि पहले उन्होंने स्तुति की, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं। जानि कृपा कर किंकिर मोहु, आप हमें कृपा पात्र समझ करके, अपना सेवक समझ करके, सब मिली करो। क्या करो? दो काम करो। काम तो एक ही है, छोहु, हमसे, हम पर कृपा करो, स्नेह करो। लेकिन वहां एक बड़ी सावधानी है, छाणी छल, क्योंकि गोस्वामी जी को मालूम है ना, ऊपर देव धनुज भी है ना, देव के साथ क्या है, धनुज भी है। तो धनुज जब कृपा करते हैं तो उसमें कुछ है ना तो उसमें कुछ और नहीं चाहिए हमको,
हमें कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कल हमने आपको निवेदन किया था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो, है ना, तो फिर बड़ा हृदय रखना पड़ता है। सांसारिकता में भी और परमार्थ में तो है ही है, संसार में भी आप बिना बहुतों का आशीर्वाद पाए बड़ा कार्य तो नहीं कर सकते। और ये आप ध्यान दे देना जीवन में, भैया मेरे, जिसने बड़ा कार्य आज तक किया होगा उस पर बहुतों का आशीर्वाद होगा, संतों का, माता पिता का, अन्य बड़ों का, महापुरुषों का। इसका बड़ा मतलब होता है, गोस्वामी जी बताते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो कहने सब मिल करो छाण छल छो, क्यों करो, निज बुद्धि बल भरोस मुए, मुझे अपनी बुद्धि, दो बात बता रहे हैं, और बल कार्य कोई करने में है ना, दो चीजों की जरूरत पड़ती है विशेष रूप से, उसमें बुद्धि भी चाहिए है ना, बल भी चाहिए, माने कर्तृत्व तो भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। अब केवल योग्यता हो, आप योजना तो बहुत अच्छी बना लें लेकिन कर कुछ न पाए तो उनको लोग क्या कहते हैं, बोले ये बड़े, क्या बोला जाता, हिसाबी हैं, केवल हिसाब लगाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है है ना अच्छा आपको करने की बहुत क्षमता हो लेकिन विचार सामर्थ्य न हो तो वो व्यक्ति मजदूरी कर सकता है। बहुत से लोग बड़े बलवान हो, बड़ी कार, बहुत सारा काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो तो केवल श्रम कर सकते हैं, कोई जिम्मेवारी वाला कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। बड़ा कार्य होने के लिए दोनों चाहिए, बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोय नाहीं ताते विनय करूं सब पाई, मुझे कोई कार्य करना है उसमें जरूरत है बुद्धि बल की और मेरे पास है नहीं, मेरे पास इतना न्यून है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आप सबसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई किसी ने पूछा, महाराज क्या ऐसा क्या करना चाहते हो, बोले करन चाहो रघुपति गुण गा, करन चाहो रघुपति गुण गाहा, मैं भगवान का गुणानुवाद करना चाहता हूं। और वो है कैसा, बोले अवगाहा, अवगाहा माने अथा है, अथा क्या चीज होती है भाई, समुद्र। और हमारे पास जो बुद्धि है वो लघु है, छोटी है। अब अवगाहा से आप अगर धीरे से उसको उपमा मिलाएंगे तो समुद्र को पार करना है तो समुद्र को बड़ी बड़ी बड़े जहाजों से पार किया जाता है, जो छोटी चीज है उसको क्या कहते हैं, डोंगी, सबसे छोटी चीज को डोंगी तो बोलते हैं, और इससे भी कोई छोटी चीज होती है, हाँ तो उसे लगाएं। अब वो कह रहे हैं मेरी जो बुद्धि है वो डोंगी की तरह से है, तो उससे डोंगी से समुद्र कैसे पार हो सकता है, और मुझे पार करना है रामचरित्र रूपी समुद्र। करन चाहो रघुपति गुण कहा, लघु मति मोरी चरित औगा, भगवान का जो चरित्र है वो समुद्र की तरह से है, मेरी बुद्धि छोटी सी नाव की तरह से है, डोंगी की तरह से है, कैसे मैं पार करूं, इसलिए हम आप सबसे विनय कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, जब मैं देखता हूं अपने पास कि इतना बड़ा चरित्र लेखन के लिए मेरे पास क्या क्या साधन है। काव्य में तीन साधन चाहिए होते हैं महाराज, शक्ति चाहिए होती है ना, शक्ति माने देव कृपा। देव कृपा को आप और सरल करें,
एक जन्मजात एक भीतर व्यक्ति के काव्य करने का संस्कार भी होता है। काव्य करने का ही नहीं, हर मनुष्य में अलग अलग तरह के कला के भी संस्कार होते हैं। आप देखना, किसी को जन्मजात नृत्य का संस्कार होता है, सबको नहीं होता। तो वो जब थिरकता है और अपनी थिरकन को विकसित करता है तो बहुत अच्छी कर सकता है और बहुत अल्प समय में कर सकता। किसी को स्वाध्याय का संस्कार होता है, ये पूर्व जन्म से होता है, जन्मजात, इसको कहते शक्ति। दूसरी चीज जो काव्य में जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने होता है निरूपण, समझ लेना किसी चीज को, पकड़ लेना, मेधा। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझें, काव्य में भावना को शब्दों में उकेरा जाता है, तो आपको भाव की गहराई तक जाना पड़ेगा। केवल वहां शब्द नहीं खुरचने। तो काव्य के लिए जो योग्यताएं चाहिए, पहली चाहिए शक्ति, दूसरी चाहिए निरूपण, और महाराज तीसरा चाहिए अभ्यास। जब हम किसी विद्या को बार 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 दोहराते हैं, आप देखना, किसी गीत को आप बार बार दोहराओ, थोड़ी देर के बाद वो गीत है ना निकलने लगेगा आपके भीतर से। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सूझ न एकहु अंग उपाऊ। काव्य में जो चीज चाहिए उसका हमको, हमारे पास तो एक भी अंग है ही नहीं हमारे पास। बहुत अध्ययन के बाद जो अभ्यास चाहिए वो हमारे पास है नहीं। ये उनकी निराभिमानिता है, देखो ये भी ध्यान रखना साथ साथ में, है ना। मति अति रंक मनोरथ राउ, कह रहे हैं कि भैया हमारी मति, मन मति रंक है ना, जो मेरा मन है और जो मेरी बुद्धि है वो क्या है, रंक है, कंगाल है, और जो मेरा मनोरथ है वो राजा है। अब जब आप राजा उधर लोगे तो इधर कंगाल लेना पड़ेगा। कह रहे सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मुझे रामचरित्र लिखना है लेकिन लेखन में काव्य में जो योग्यता चाहिए उसका एक भी अंग हमारे पास नहीं है तीन में से। बल्कि जो हमारे पास, बोले मन और बुद्धि तो अच्छी होगी, बोले वो भी नहीं है। मन मति रंक मनोरथ राव, और मेरी जो इच्छा है, जो मेरी मनोकामना है, वो तो राजा है और मन बुद्धि है ना, हाँ रंक है। और इसको आगे बढ़ा के स्पष्ट करते हैं, मति अति ऊंच नीच अरु आंची। मति अति ऊंच नीच अरु आंची, जो मेरी बुद्धि है वो बड़ी छोटी है। अब हमारी दृष्टता देखो, वो ऐसा ऐसे भाव व्यक्त करते हैं, चाहे अमी जग जुरे न छाछी। मेरी सोच तो ऐसी है, किसके सामने बोल रहे हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं, जो जीव रूप से परमात्मा है, सर्व जगत के सामने बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मति अति ऊंच नीच अरुआछी, चाही अमी जग जुरे न छाछी। बोले इच्छा अमृत की करते हैं और मट्ठे तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसा एक कोई कहावत भी चलती थी, अगर आपको उठे तो बताना, ऐसी कोई कहावत थी, उठ नहीं रही है उससे। तो इच्छा अमृत की और मट्ठे का ठिकाना नहीं। तो हमारी इस दृष्टता को देख करके आप सब हमें क्षमा करना। बोले क्षमियाई सज्जन, देखो क्षमा करने का जो गुण होता है ना वो सज्जन में ही होता है, दुर्जन क्षमा नहीं करता। तो बता रहे हैं आप लोग सज्जन हो,
सीए राम हो, मेरी डिठाई को क्षमा कर देना। तो बोले जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, है ना, तो कैसे लिखोगे, और जो लिखोगे वो कैसे पढ़ने लायक होगा। तो बोले सुनी ही बाल बचन मन लाई। अब आप हमारे माता पिता की तरह से हो ना, तो बच्चों की तरह, जैसे कोई बच्चे बोलते हैं, हम तो बच्चे हैं आपके सामने, तो जैसे बच्चे बोलते हैं। अब देखो गोस्वामी जी का काव्य, कई बार बच्चा क्या कह रहा है, जब वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ऊपर वाली लाइन में बहुत छोटा है, तो प्रायः बड़े लोग ये ध्यान नहीं देते कि ये कह क्या रहा है। वो केवल इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते, चलो कुछ बोला तो। जब जब बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है, बोले बोलने लगा नहीं, अभी ऊपर वाली लाइन में तो तोतरी भी नहीं है ना। सुनिए बाल वचन मन लाई। तो बाल वचन मन लाई क्या सुनते हैं, माने वो जो कहाँ की कु कुछ भी करता है, तो वो केवल बड़े लोग जो हैं वो इस पर प्रसन्न होते हैं कि बच्चा कुछ बोलने लगा है, अब इसकी आवाज निकलने लगी है, और फिर आगे बढ़ाते हैं उसको, उस बात को पुष्ट करते हैं। जो बालक कहे तो उतरी बाता माने तो तला के बोलना माने जो शब्द हैं उनमें स्पष्टता नहीं है, यही तो हुआ ना भाई। यहाँ काव्य से जोड़ते जाना, काव्य में अगर उतनी स्पष्टता ना हो तो वो कह रहे हैं जो बालक कह तोतरी वाता, सुने मुदित मन पितु अरु माता। आप हमारे माता पिता हो, तो माता पिता का ऐसा हृदय होता है कि वो अपनी संतान के दोष दुर्गुण पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसका वात्सल भाव उनका उमड़ता है, और वो एक चीज और है, वो उनकी भाषा समझ भी लेते हैं। आप देख लेना, माता जी को बोलना तो आप छोड़ दीजिए, संतान की भाव भंगिमा से और उससे पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है, वो भी एक भाषा है, केवल शब्द ही भाषा नहीं है, है ना, ये जो भाव भंगिमा है, चेष्टा है, ये भी एक भाषा है। अभी हम आपको अगर ऐसे करें तो शब्दों का हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन आप समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं। यहां तो गोस्वामी जी शब्द रचना करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं जो बालक कहे तोतरी वाता, मैंने बिना बात के भी लोग समझ लेते हैं, हम तो कम से कम तोतरी, मैंने माता पिता की महिमा ये है कि वो बिना बात के भी समझ लेते हैं, हम तो महाराज आपसे कम से कम तोतरी भाषा में कुछ तो बोलेंगे ना। सुने ही, है ना, जो बालक कहे तोतरी वाता, मुदित मन पितुवरु माता, माता पिताजी बड़ी मुदिता के साथ सात्विक हंसी वात्सल भाव ले करके कि हमारा बच्चा है, बड़ा ध्यान लगा करके सुनते हैं। मुदिता आप समझ रहे हैं ना, क्या प्रसन्नता तो ठीक है, वो रावण भी प्रसन्न होता है। तो उस तरह की प्रसन्नता नहीं है ये भी शब्द कसी हुई शैली में आते हैं, सात्विक हंसी, किसी भी प्रकार के हंसने को मुदिता नहीं बोलते, जो भीतर से आती है। हाँ, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मुदिता मत है विचार मथानी, पीछे भी आ चुका है। हाँ, मैंने कोई चीज ऐसी देखी है
कि मन बिना हंसे मान नहीं रहा है और उसमें अपनापन है, सात्विकता है। ध्यान रखना, जहां दुराभाव होगा, कड़वाहट होगी, वहां जो हंसी आएगी वो अट्टहास होगी, वो मुदिता नहीं होगी, हंसी तो होगी। जहां अभिमान होगा वहां हंसने का तरीका अलग होगा, वो जो प्रसन्नता। कई बार लोग चापलूसी किसी का की का कोई अनिष्ट हो जाए और उसको समाचार मिले तो ऐसा भी स्वभाव होता है, वो भी हंसता है, हाँ बड़े बने घुमा करते थे ना, अब पता चलेगा। इसको मुदिता नहीं बोलते हैं। जहां जब प्रेम उमड़ रहा हो और वो प्रेम उमड़ता हुआ प्रेम जब शब्द लेकर के बाहर आता है भीतर, उसको बोलते हैं मुदिता। उसकी अभिव्यक्ति जब होती है उस सुख की, उस खुशी की, सात्विक हंसी, हसई मुदित सुनहि मुदित मन पितुअरु माता, वो माता पिता जैसे माता पिता बच्चे की तोतरी बात सुन करके मुदित मन से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही आप हमारी बात को, है ना, हमारी भाषा को, हमारी कविता को सुन करके प्रसन्न हों, ऐसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आए पाठ कर लेते हैं फिर आगे की चर्चा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान। इसी दोहे आकर चार लाख कवित्त कई लाग नमी
सुनत हर साही देवर पुरुष बहुत जगनाही देवर पुरुष बहुत जगनाही जग बहु नर सर सरि सम भाई जग बहु नर सर सरि सम भाई सजन सकत सिंधु सम कोई देखी भूर बिलवाणि जोई भाग छोट अभिलाष बड़ो करम एक विश्वास भाग छोट अभिलाष बड़ो करम एक विश्वास चर्चा चल रही थी। गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं सारी सृष्टि से, परमात्म रूप सृष्टि से प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी जी। जो बालक कह तोतरी वाता सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। आप हमारे माता पिता हो, आप आनंद के साथ इसे श्रवण करोगे। आगे और बोलते हैं, हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। बोले तीन लक्षण कर दिए। बोले इस स्वभाव के जो लोग हैं ना, उनको एक आदत होती है। जैसे ना हर व्यक्ति को सजने की आदत होती, तो आभूषण ढूंढता है, आभूषण से क्या साज सज्जा अपनी करता है। तो इनकी साज सज्जा क्या है, कहां पर दूषण भूषण धारी, ये दूसरे की बुराइयों का आभूषण ही अपने ऊपर धारण करते हैं। माने इन्हें अपने को सजाने के लिए क्या चाहिए, दूसरे की बुराइयां, दोष, तो ये ढूंढते रहते हैं। कैसे स्वभाव के हैं, बोले कूर क्रूर, कूर माने क्रूर निर्दयी, दया रहित, कड़े स्वभाव वाले, कुटिल, कुटिल माने हाँ कपटी, माने भीतर कुछ है बाहर कुछ है, किसी को बताते कुछ है भावना अंदर कुछ है। कुविचारी अंतःकरण ऐसा मलिन है कि जो विचारों की भी उत्पत्ति होती है वहीं से गड़बड़ी है, सोच में ही गड़बड़ है। तो जहां सोच में ही गड़बड़ है, जहां विचार ही गलत उठ रहे हैं, वहां फिर स्वभाव अच्छा हो ही नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं, ये तो हंसेंगे, उनका काम यही है। माने वो हर चीज में गलती ढूंढेंगे। जैसे कि वैसे माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, ठीक है, उनकी गलती भी नहीं देखते हैं, सुधार जरूर करते हैं, लेकिन वो हंसते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसे भी माता पिता होते हैं। अब माता पिता तो सर्व को कहा है ना, और सर्व में दो तरह के माता पिता हैं, वो सर्पिणी भी तो होती है ना, तो वो खा जाती है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही इन्हीं माता पिता में, अब सर्व में उन्होंने देव धनुज नर नाग खग सबको लिया, तो ये जो कूर कुटिल को विचारी हैं, ये भी हैं हमारे माता पिता की तरह से ही, लेकिन अब इनका स्वभाव ही ऐसा है। जे प्रदूषण भूषण धारी, ये दूसरे की बुराइयों के आभूषण से ही अपनी सज्जा करते हैं। आभूषण से तो सज्जा होती है ना। निज कवित्त के ही लाग ननीका,
अब हम तो भाई अपनी बात कहेंगे, वो स्वामी जी बोल रहे हैं, अब हम तो निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, वो हो चाहे जैसी सरस हो अथवा अति फीका, अपनी रचना तो अपने को अच्छी लगती है। बोल रहे हैं अपनी रचना अपने को वो चाहे जैसी हो उसको अच्छी लगती है, तो अपनी रचना अपने को अच्छी लगे इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, वो बता रहे हैं। तो बड़प्पन किसमें, अब आप लोग बड़े हो तो आप में तो ये बड़प्पन होगा, वो ये कह रहे हैं। जे पर भनित बता रहे हैं, सुनत हर साई ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अब कितनी थोड़ा उसको विस्तार दे रहे हैं, इस सृष्टि में तीन तरह के लोग हैं। पहले कौन, निज कवित के ही लाग ननीका सरस हो अथवा अति फीका, माने सृष्टि में तीन प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जिन्हें अपनी कविता अच्छी लगती है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। फिर दूसरे तरह के कौन हैं, कहा जे पर भनित सुनत हर साही, जो दूसरे की कविता सुन करके, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, वो श्रेष्ठ पुरुष संख्या में हाँ बहुत नहीं है, तो मैंने थोड़े हैं, वो बहुत कम है। अब उसको एक दृष्टांत दे करके नीचे बताते हैं, इन अभी दो बातें बता रहे हैं, दो क्या बातों, वो तीनों बता चुके, हंसी है कूर कुटिल को बिचारी, माने एक तो ये है जो दूसरे की कविता की हंसी उड़ाते हैं उसमें दोष देखते हैं, अच्छी तो उनको लगती ही नहीं है बल्कि बुरी लगती है ये कह दीजिए। एक वो है जिन्हें अपनी कविता अच्छी लगती है, और वो लोग थोड़े हैं कौन, जिनको दूसरे की कविता अच्छी लगती है। ते बर पुरुष, वो बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। बहु नर सर, हाँ जग बहु नर सर सरी सम भाई, ये दृष्टांत आ रहा है। जगत में वो नर बहुत हैं, कौन, जो तालाब और नदियों की तरह से हैं। हाँ सर माने तालाब और सरी माने नदी। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाल बढ़ई जल पाई, जैसे नदियां और सरोवर जो है ना वो अपने जल से उनमें बाढ़ आती है, वो बढ़ते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं जब उनमें जल बढ़ता है। ये सज्जन सुकृत सिंधु सम होई, देख पूर्व विदु बाढ़ है जोई। बोले सज्जन तो वो है बड़ा, वो है उसका बड़प्पन ये है, वो समुद्र की तरह तो वो है जो देख पूर्व विदु बाढ़ है जोई। दृष्टांत ये है कि महाराज समुद्र अपने जल से नहीं बढ़ता। बरसात में आप देखना ये जो नदियां है ना, छोटे छोटे तालाब हैं, ये जैसे ही होता है तो इनमें बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, जल तो समुद्र में जाता है। देखना तो समुद्र में कब बाढ़ आती है, जब वो पूर्ण माने दूसरे को देख करके बाढ़ आती है। ये थोड़ी बड़ी बात कही जा रही है और हम ऐसी आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। भाई एक व्यक्ति, एक ऐसा भी किसी का व्यक्तित्व तो होता है जिसको खाने में कम खिलाने में ज्यादा आनंद आता है। अब आप समझ गए होंगे, एक है खाने में आनंद लेना और एक है खिलाने में आनंद लेना, ये अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो जो खिलाने में आनंद लेता है, दूसरे के हित में जिसको रस आता है, उसका हृदय समुद्र की तरह से, वो कभी मर्यादा का त्याग नहीं करता। नहीं तो क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, कहा ये जो सरी सर हैं
इनकी क्षुद्रता ये है कि थोड़ा ही जल इनमें आता है और ये उबाल मार जाते हैं। यहाँ कहा ये जा रहा है जग बहु सर 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 संभाई, बहुत ज्यादा संख्या मनुष्यों की ऐसी है, ये बता रहे हैं वो, जैसे नदी और तालाब। जे और दृष्टांत ये हैं, जे निज बाण बढ़ई जल पाई, अपने में जल वो जब पाते हैं तब ही वो बढ़ते हैं, तब मने प्रसन्न होते हैं। आप यहां ऐसे ले लिए तब वो प्रसन्न होते हैं। सज्जन सुकृत सिंधु सम होई, नाम लिया है सज्जन, वो भी उसके साथ और क्या है सुकृत, सत्कर्मी, माने वो सज्जनता केवल नाम नहीं है, उसके कर्म में है, केवल विचार में नहीं है, वाणी में है, कर्म में। सुकृत, सुकृत माने पुण्यात्मा, सज्जन सुकृत सिंधु सम होई, वो समुद्र की तरह से होता है। देखी पूरी बिंदु बाण है जोई, जो पूर्ण चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है, माने जैसे महापुरुष दूसरे का हित देख करके प्रसन्न होते हैं। और कई बार तो महाराज ऐसे ऐसे त्यागी महापुरुष जो होते हैं उनका अपना तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो बड़े आनंदित होते हैं, तो दूसरों को देख करके आनंदित होते हैं, दूसरे का हित देख करके आनंद। ये सात्विक हृदय का प्रमाण है। और भाई किसी को दूसरे को खिला करके रस आता है तो वो कोई दुष्ट व्यक्ति में थोड़ो हो सकता है। अगर ऐसे ही आप सरल करना चाहें भाई और सामाजिक स्तर पर लाना चाहें इस बात को, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एक वो लोग हैं, है ना, किसी को खाते देख करके उन्हें दुख होता है, वो प्रसन्न नहीं होते, किसी दूसरे को खाते देख करके वो प्रसन्न नहीं होते। एक वो हैं जो जब स्वयं खाते हैं तब आनंदित होते हैं, और एक वो हैं जो दूसरे को खाते देख करके खिलाने में उनको आनंद आ रहा। तो कह रहे हैं देख पूर्व विद बाढ़े जोई भाग छोट अविलास बढ़। बढ़िया बात बता रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, हे प्रभु हे सियाराम, हमारा भाग्य तो छोटा है। देखो कई बार होता ही है जैसे कोई आपका बड़ा मनोरथ हो जाए, कोई बड़ी इच्छा जाग जाए तो आप भाग्यवान हो। भाग्यवान माने पूर्व के कर्म आपके अगर अच्छे हैं तो उस भाग्य से ही मिल जाता है। बहुत से लोगों को संपत्ति बिना कमाए भी मिल जाती है, कहीं जमीन से निकल के मिल गई या किसी संबंधी से या किसी ससुराल से, और कुछ बताएं, है ना। इसको बोलते हैं भाग। तो है तो नहीं, लेकिन वो धनवान हो गए, वो संपन्न हो गए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे पास तो ये भी नहीं है। भाग छोट अविलास बढ़, भाग मेरे पास है नहीं कोई पूंजी पूर्वत पूर्व जन्म की, और इच्छा मेरी बहुत बड़ी है। तो किसी ने पूछा महाराज फिर किस बात पर बड़ी है, भाग आपके पास है नहीं, साधन आप बता रहे हो है नहीं, सूजन एको अंग उपाउ, तो आप फिर किस बेस पर किस आधार पर आगे बढ़ोगे। करो एक विश्वास, एक विश्वास मेरे भीतर है, वही हमारा आलंबन है, ये बता रहे हैं, क्योंकि बिना आलंबन के कोई कार्य होता नहीं है। सुख पई है सुनी सुजन सब, खल करी है उपहास। हमारी जो रचना होगी, जो रामचरित हम लिखेंगे, मुझे एक विश्वास है कि जो सज्जन लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको बड़ा आनंद आए। और खल कर यही उपहास, ये हमें पता है। और अब बोले तो खल उपहास करेंगे, आपको पता है तो इसमें तो आपको कष्ट होगा। बोले बिल्कुल नहीं है कष्ट, क्योंकि विश्वास है ना हमको, इसलिए हम रचना करेंगे। तो
बोले बुराई तो होगी, बोले वो बुराई तो हमारे लिए अच्छा ही है। देखो कहना क्या चाहते हैं, बोले खल परिहास होए हित मोरा। अब जो लोग बड़ा काम करना चाहें, जिसका संकल्प बड़ा हो, वो इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो उन्हें बड़ा लाभ होगा। क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, ये नहीं है कि आपके लिए होते हैं महाराज, भगवान पर वो आज तक आक्षेप ही करते हैं। भगवान कृष्ण पर अभी भी कितने टीका टिप्पणी लोग करते रहते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिस पर यहाँ टिप्पणी करने वाले लोग ना हों। तो आप अगर कोई जब सत्कार करने की योजना बनाएं या सत्कार आरंभ करें और उसमें जब बुराई हो, आलोचना हो, तो उसे कभी नहीं घबराना चाहिए। वो बुराई ही आपको ऊंचा उठाने का काम करेगी। ये बता रहे हैं आप, इसको हम लोग धीरे से समझेंगे कैसे। वो जो आलोचक है ना, सच में वही आपका प्रचार करेंगे। और वही प्रचार आपके हित का काम करेगा। देख लीजिए आप गोस्वामी जी कैसे बोल रहे हैं, खल परिहास। हमें पता है कि जो खल लोग हैं वो उपहास करेंगे, लेकिन वो हित मोरा, खल परिहास होए हित मोरा। जो दुष्टों का परिहास है वो जब हंसी उड़ावेंगे, उसी में हमारा हित छुपा हुआ है। ये देखो, और कैसे हित छुपा हुआ उसका दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। काक कहीं कलकंठ कठोरा, ये दृष्टांत है, आप इसको ध्यान देंगे। जैसे कौवा है ना, वो कहे कहता फिरे सब जगह। क्या देखो, ये कोयल बहुत कठोर बोलती है, हाँ। तो अच्छा ये बताओ, जो सुनने वाला होगा उसके मन में क्या है? उसके मन में कोयल का माधुर्य के प्रति सम्मान आएगा कि नहीं आएगा? कोयल याद आएगी कि उसको नहीं आएगी? अगर कौवा ये न कहता, जरा सोचना आप, तो शायद कोयल उसके चित्त पे नहीं आती। और वो तो शांत बैठा था, उसके विचार तो कहीं और थे। तो जब किसी ने, जब कौवे ने जाकर के कहा कि वो ये कोयल बहुत कठोर बोलती है, आप जरा विचार करो, तो क्या मन में आए? कोयल के बारे में सद्भावना आएगी कि नहीं आएगी अपने आप? तो जो सज्जन के प्रति सद्भाव उत्पन्न कराने वाले हैं, ये दुर्जन ही हैं, दुर्जन भी हैं, आप ऐसे कह लीजिए। इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। समझने वाले को तो, उसको तो समझ है ना कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको कोई बात बताने आओ तो लोग कही देते हैं, इनको तो आदत है, ये सही बोलते रहते हैं, और वो दूसरों का प्रचार करते रहते हैं। इस चक्कर उनका तो प्रचार हो जाता, लोग जान जाते हैं जिस बात को उनको जनाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़े। अब हम नाम नहीं किसी राजनीतिक पार्टी का लेना चाहते, क्योंकि चित्त उधर चला जाएगा। ऐसी घटनाएं आपको ऐसे चुनाव उनाव में बहुत जल्दी मिल जाएंगी कि वो इतना किसी के बारे में खोट बोलेंगे, उसका प्रचार हो जाता उस चक्कर में। तो खैर, गोस्वामी जी का ये वचन है, इस ये है, हम लोगों को बहुत अच्छी बात सिखा रहा। क्योंकि जब आलोचना होती है महाराज, तब व्यक्ति टूट जाता है, हताश निराश होने लगता है। वहीं अगर वो समझ जाए तो बात बन जाए। कह रहे हैं खल परिहास, ऊपर उन्होंने ये कहा कि खल उपहास करेंगे जरूर। आप अच्छे से अच्छा कार्य करो, चाहे जितने ईमानदार हो, लेकिन इस सृष्टि से अगर आप ये सोचो कि हमें केवल सम्मान मिलेगा, तो बहुत बार चर्चा हो चुकी, नौ सर यहाँ दो मिलते हैं, कम या ज़्यादा का अंतर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम करने लगे हमें तो कुछ भी मिले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि हमें केवल सम्मान मिलेगा, ऐसा तो होना नहीं है। क्योंकि ये सोच के करने वाला जब उसे अपमान मिलना शुरू होता है ना, तक्षण वो अपना संकल्प छोड़ देता है, अपना कार्य बंद कर देता है। तो कह उन्होंने कहा
खल कर यही उपहास, फिर कह रहे खल परिहास होए हित मोरा, वो हमारे हित का कारण बनेंगे, उनका परिहास कारण बनेगा। कैसे? बोले काक कहाई कलकंठ कठोरा, कौवे तो हमेशा कोयल के कंठ को कठोर ही बोलते रहते हैं। एक चीज, एक आपको और अंतरंग बात कौवे कोयल की बीच की बताता हूँ। कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाती है, कौवे के अंडों को गिरा देती है और अपने अंडे रख देती है वहाँ। नहीं, कोयल करती है। और कौवा ना ना, और कौवा उसको अपने समझ के उसका उसको सहता रहता है आराम से। जी 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 जी, अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन उसके माधुर के कारण उस पर वो दोष नहीं आता है। और कौवा ये समझ बोलता रहता है हमेशा उसके बारे में गलत, और काम वही करता रहता है। कह रहे हैं ना, खल परिहास होए हित मोरा, वो कोयल के परिहास में उसकी नफरत में लगा रहता है और उस पर ध्यान नहीं देता है कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं। भीतर भीतर सेवा होती रहती है, शायद हम बोल पा रहे हो। अंडे सेता है ना कौवा। इसी तरह से ये जो बात कह रहे थे उसके पीछे तथ्य यही है कि वो बुराई को भले ही लोगों के बीच में बोलता है, लेकिन लोग तो उसको भलाई में लेते हैं ना, उनको मालूम है, और उसी चक्कर में वो प्रचार कर देता है सब जगह। बोले वो, अब जैसे इसको आप ऐसे समझना, बोले गंगाराम जी है ना, वो वहाँ कथा सुनने रोज जाते हैं, बड़े भगत हैं, हैं चौपाइयाँ उपाइयाँ कुछ तो ये बोलेंगे, ये सुनने वाला क्या समझेगा कि तुमसे तो अच्छे हैं, और ये भी समझ जाएगा इसका मतलब पाल जी कथा नियमित सुनने जाते हैं, तो प्रचार किसका कर रहा है वो। जो नहीं भी जानता था कि पाल जी कथा सुनने नियमित जाते हैं, वो भी जान गया, तो हित हुआ कि नहीं हुआ। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसई बक दादुर चात कहीं, कहें मलिन खल विमल बत कही। ये बता रहे हैं, दो दृष्टांत फिर देते हैं। हंसई बक दादुर चात कहीं, बगुला हंस की और मेढक पपीहा की, इनसे ईर्षा करता ही है वो इनके बारे में कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलता ही रहता है। हंसई बक दादुर चात कहीं, कहें मलिन खल विमल बत कही।